बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। मैरिज वज़ाइफ़ सीरीज़ का ये पहला वजीफ़ा है। वज़ाइफ़ सीरीज़ का बेसिक मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुस्तकिल मांगते रहना। देखिए, किसी न किसी मेडिसिन से जिस तरह बीमारी का आराम आ जाता है, इसी तरह वज़ाइफ़ सीरीज़ का मकसद यह है कि आप एक वजीफ़ा करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं। तो वज़ाइफ़ का बेसिकली मकसद ज़िक्र और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना है। वजीफ़ा के ज़रिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं और दुआ के ज़रिए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत तलब करते हैं। तो ये दोनों इबादत, ज़िक्र और इबादत दुआ, ये दोनों इबादत बन जाते हैं। तो यही असल मकसद है। ज़िक्र की नीयत से वजीफ़ा किया करें, क्योंकि दुनिया के किसी मकसद के लिए वजीफ़ा करने का अजर नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ज़िक्र करें फिर दुआ करें तो ये दोनों इबादत बन जाते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि आज का वजीफ़ा उन बच्चियों के लिए जिनको शादी का मसला है, एक तो रिश्ते आ ही नहीं रहे, दूसरा रिश्ते आते हैं पसंद नहीं आता, और या देख जाते हैं लेकिन फिर इनकार कर देते हैं या कोई जवाब ही नहीं देते। तो इसमें मैं दो चीज़ें अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि वर्ल्ड्स मुस्लिम मैरिज ब्यूरो के नाम से मैंने एक चैनल का आगाज़ किया है और उसमें हम बेसिक वो डिटेल माओं बहनों की, वो जो बेवा हैं या यतीम हैं या जिनको डाइवोर्स हो चुकी है, दोबारा रिश्ते नहीं मिल रहे, उनकी बेसिक वो डिटेल देते हैं जिससे रिश्ते वालों को, लोगों को भी पता चल जाए कि हमने यहाँ निकाह करना है या नहीं। एक बात, दूसरी बात ये कि पर्सनल डिटेल सारी वो सीगा राज में रखी जाती हैं, वो उनकी मर्ज़ी से सिर्फ बताई जाती हैं। वो बहुत लंबी डिटेल है। वर्ल्ड मुस्लिम मैरिज ब्यूरो चैनल आप ओपन करेंगे, इस्लामिक हब ऑफिशियल से आपको ये चैनल मिल सकता है, आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी और वहाँ मैंने सारी डिटेल बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारी अभी हमने स्टार्ट कर दी है उस पर वर्किंग और बहुत से लोगों ने रब्ता किया हुआ है। खैर, इस बारे में मज़ीद बात नहीं करूँगा, लेकिन साथ जो लोग वो वहाँ पर वर्ल्ड मुस्लिम मैरिज ब्यूरो पर भी रब्ता करें हैं, उनको भी ये वज़ाइफ़ सीरीज़ करवाई जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है। आपने आज फर्स्ट वजीफ़ा है, नेक्स्ट जितने वज़ाइफ़ सीरीज़ में अपलोड होते जाएँ उसमें MW1 इसमें लिखा हुआ है सामने बाहर, और इसी तरह MW2, MW3, इस तरह मैरिज वज़ाइफ़ सीरीज़ इसके वज़ाइफ़ होंगे। और प्लेलिस्ट भी एंड पे दी जाएगी, एंड पे प्लेलिस्ट भी मौजूद होगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वीडियो का जब एंड होगा एक बॉक्स आएगा, उसमें मैरिज वज़ाइफ़ सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी होगी। आप जब भी वीडियो देखें आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके भी आप चेक कर सकते हैं, आपको फौरी पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है। और मुझे इंशाल्लाह, मैंने 10 वज़ाइफ़ सीरीज़ स्टार्ट की हैं और मैं कोशिश करूंगा कि डेली 5 वीडियोस अपलोड कर दिया करूं, और मुख्तसर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, इसलिए कोई मसला भी नहीं होगा आपको। आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने 3 टाइम्स किसी भी नमाज के बाद आप 2 नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ने के बाद आपने 3 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म मुबारक है या लतीफ़, या लतीफ़, इस इस्म मुबारक को आपने 11 टाइम्स पढ़ना है। या लतीफ़ या अल्लाह, दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, 3 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ना है। या लतीफ़ या अल्लाह 11 टाइम्स पढ़ना है, ज़िक्र की नीयत से अल्लाह से मांगते हुए। यूँ अल्लाह को पुकारिए जैसे बच्चा अपनी माँ को मुश्किल मुसीबत परेशानी में पुकारता है। और फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है अपने मसला के लिए, जो रुकावट है उसके लिए, और शादी के लिए कोई हालात सूरत नहीं बन रही उसके लिए। और फिर आखिर में फिर आपने 3 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ना है, और इस अमल को नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होने से पहले पहले आप 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अमल की हिदायत शरायत की तरफ। तो 4 काम जो आपने ज़रूर करने हैं वो बेसिक जो है इंस्ट्रक्शंस ऑफ वज़ाइफ़ सीरीज़, 4 काम हैं जो ज़रूर करने हैं। इस नाम से वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर और एंड में इसका लिंक भी आपके सामने शो होगा, आपने इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। इस वीडियो में 4 काम बताए गए हैं, उन 4 कामों को करते हुए अगर आप ये वज़ाइफ़ सीरीज़ पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह महीने का जो फ़ायदा होना है वो 1 हफ़्ते में आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो ये वीडियो ज़रूर सुनिए और महसूस आम इस अमल को कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकान को ज़रूर दबाएँ, घंटी के बटन को मैं मेथड एंड में वीडियो में ऐड कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइब कैसे करना है। इसके अलावा मज़ीद कोई शरायत नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप ये काम कर लें, उस वीडियो को सुनकर उसमें बताए गए 4 काम
और ये वजीफ़ा और वज़ाइफ सीरीज, बस ये आप कर लें तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर वज़ाइफ सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए सब्सक्राइब करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन ना मिले आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सर्च बाक्स में सिंपली लिखेंगे इस्लामिक हब ऑफिशियल और सर्च करेंगे तो मेरा चैनल ओपन होगा, और यहाँ से आप चैनल को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट वीडियो के साथ ही पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ये बेल आइकन आएगा इसको ऑल पे क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और उसके बाद नीचे आएँ तो मेरे दूसरे चैनल्स हैं, इसमें ये आसान वजीफ़ा ऑफिशियल है, आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कर दें। बाकी चैनल्स वर्ल्ड मुस्लिम मैरिज ब्यूरो है और दूसरे चैनल्स हैं, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, वरना कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये दो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हर अपलोड होने वाला वजीफ़ा आप कर सकते हैं अपने मसला के लिए भी। तो हर नमाज के साथ एक वजीफ़ा करें, दो मिनट का वजीफ़ा होता है, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।